हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं मीन लग्न की कुंडली के विषय में, और मीन लग्न की कुंडली में कल हमने चर्चा किया था राहु की महादशा के विषय में कि राहु की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतरदशाएं किस तरह का शुभ या अशुभ फल देती है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे गुरु की महादशा के विषय में। अगर गुरु की महादशा मीन लग्न की आपकी कुंडली हो और गुरु की महादशा हो तो कैसी शुभ या अशुभ फल आपको बाकी के सारे अंतर दशा में आने वाले ग्रह देंगे, इस विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो प्लीज लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल पेज एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर। माय ट्विटर हैंडल इज एस्ट्रो क्लासेस, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोज। और ये बिल्कुल मुफ्त है, इसमें आपका कोई खर्च नहीं लगता, केवल आप एक क्लिक करेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे हमें प्रतिष्ठा मिलेगी और आपको मुफ्त का ज्ञान बेहतरीन का, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें सब्सक्राइब करने के बाद। तो चलिए हम आज अपने प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। ये मीन लग्न की कुंडली है, और मित्रों गुरु जो होता है इसमें लग्नेश और दशमेश होता है, संपूर्ण राजयोग कारक होता है। ठीक है, तो ये गुरु जो है अपनी ही महादशा के अपने ही अंतरदशा में जब आवे तो बिल्कुल ही शुभ और अनुकूल फल देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात कि इस लग्न कुंडली में है ना, क्योंकि मीन लग्न की कुंडली में मीन लग्न के मालिक लग्नेश की महादशा में इनकमेश ये 11वें घर का 12वें घर का मालिक हो जाता है, 11वें घर का है ना, और धनु राशि से देखें तो धनेश हो जाता है। ऐसे में ये शनि संपूर्ण कारक हो जाता है और बिल्कुल अनुकूल और सुफल देता है। बुध भी इस लग्न कुंडली में बहुत ही सुफलदायी माना जाता है, समय आता है लेकर के। और अगर हम केतु की बात करें तो केतु भी बिल्कुल अच्छा फल देता है, सुफल देता है, सामान्य फल देता है। अगर शुक्र की बात करें तो इस लग्न कुंडली में ये शुक्र जो है लग्नेश की महादशा में तृतीयेश और अष्टमेश है, इस लग्न कुंडली में प्रबल मारक की भूमिका में है। लेकिन ये शुक्र जो है लग्नेश की महादशा में अंतरदशा में जब आए तो ये आयु बढ़ाने का काम करने लगता है, और तृतीयेश होने के नाते भाइयों बहनों से प्रेम देता है। ठीक है, तो ये शुक्र जो है सामान्य कारक ग्रह की श्रेणी में आता है, न कि मार्केश की भूमिका यहाँ निभाता है। ठीक है, हाँ, इस लग्न कुंडली में सूर्य जरूर हानिकारक और रोग को बढ़ाने वाला और रोग देने वाला जो है ना ग्रह और समय लेकर के आता है। ठीक है, चंद्रमा की बात करें तो बिल्कुल शुभ और अनुकूल फल देता है, मंगल तो भाग्य सही भाग्योदय करवाने वाला समय लेकर के आता है, और राहु की अंतरदशा भी बिल्कुल सामान्य रहती है, कोई नुकसान नहीं होता है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो सूर्य को छोड़ दें तो बाकी सारे ग्रहों की अंतरदशाएं बिल्कुल शुभ और अनुकूल फल देती है। ठीक है, अगर हम सूर्य की बात करें कि सूर्य की जब अंतरदशा आपके ऊपर आए, अगर मीन लग्न की आपकी कुंडली है और लग्नेश गुरु की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में यदि सूर्य आए तो निश्चित रूप से आपको हानिकारक और अशुभ समय लेकर के आता है, रोग बढ़ाने वाला समय लेकर के आता है। ऐसे में आप शहद से रुद्राभिषेक करवाएं है ना, और बिल्कुल वैदिक तरीके से करवाएं, वैदिक मंत्रों के साथ में करवाएं, जो वेद पाठी ब्राह्मण हो उसी से करवाएं। इससे आपको सूर्य को सूर्यार्घ दें, उसमें लाल गुलाब, लाल चंदन, गुड़ और शहद आदि मिला करके काला तिल भी मिला लें तो और भी अच्छी बात। तो चलिए, आप अभी हम कल की चर्चा में आप लोगों से बात करेंगे शनि की महादशा में बाकी सभी ग्रहों की अंतरदशा के शुभ अशुभ फल के विषय में। तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।